पूरा इलाका हमने ढूंढा, हमारे साथ पुलिस भी थी और सैडी वाले भी कोई आदमी थे, तो हमारे बकवाल तो बहुत लोग थे, तो पूरा ये इलाका हमने मत बोला छाना, कुछ नहीं मिला। फिर उसके बाद हम लोग तो ढूंढते ही रहे, हमको तो ये शक हो गया पता नहीं कोई दूर ले गया होगा, पर कौन ले गया ये थोड़ा पता है, छोटा 8 साल का बच्ची ऐसा उसके साथ होगा, ये तो हमको पता नहीं था। फिसल बहुत मुसीबत, हमको बहुत मुसीबत है। फिर सांबे में रुके, सांबे से थोड़े नीचे, तो फिर यहाँ पर आई, फिर यहाँ भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम हुई, यहाँ लोगों ने यहाँ भी जाना नहीं देते, यहाँ नाले से पार भी उधर भी उधर भी। फिर कूटे वाले से थोड़े थोड़े हमने पत्ते लेकर अभी तक टाइम की पास किया है, तभी अभी 2 महीने 2.5 महीने हमको निकालने तो बहुत मुश्किल है। एक तो हमारे साथ आदमी भी कोई नहीं है, वो भी डर से नहीं आते हैं यहाँ पर, तो बच्चे हैं दो वो भी नहीं आते हैं, वो देख सांबा में एक तो कश्मीर में वो भी नहीं आ रहे हैं। यहाँ पर आता कोई नहीं, कोई सीधी बात नहीं करता, जब आते हैं तो निकल दिल से जाते हैं, जब आपको माल चाल जाता है तो उससे धमकाते हैं, यहाँ क्यों आ रहे, आपके घोड़े क्यों आ रहे, हमारे इधर बढ़नी नहीं चाहिए, हमारे खेत में नहीं आनी चाहिए, ऐसे बोलते हैं। यहाँ हमारे और साहब बहुत सारे डेरे यहाँ पर बैठे थे रसाना गाँव में, रसाना से नीचे नीचे पट्टा में कम से कम 10-15 डेरे आते थे, तो बिल्कुल इस साल डर से कोई आया नहीं। बोलते हैं इधर क्यों आए, इधर आपने अब पिछले साल आग लगाया, हमने बोला हमने क्या आग लगाया, आप तो लगाया आप आग, वो छोटी जी लड़की गई थी, आप इतने सोचते जी इसी आ गई थी, वापस करनी थी उसको, ये उसको हफ्ता उसने गैब रखा फिर उसको मारा, और इतनी बुरी हालत करके मारा है, कोई देखने की नहीं, इसी बेइंसाफी से मारा है, इतनी बेइंसाफी किया है इसके साथ, उसके मुंह, उसके ये बाजू कुछ नहीं देखने के, और बिजली के करंट लगा लगा के उसकी बुरी हालात करके मारी है। हमने बोला हम कहाँ जाएंगे, इधर ही चराएंगे और कहाँ जाएंगे हम, बोलते हैं जिधर मर्जी चले जाओ, आप इधर क्यों आए, ऐसे ऐसे बोलते हैं। पर पिछले साल हमको बोल रहे हैं जी 90 दिन में आपको इंसाफ मिल जाएगा, तो वो भी नहीं मिला, अभी एक साल हो रहा है तो वो इंसाफ अभी तक नहीं मिलता, बोलते रहे वकील तो मिलेगा इंसाफ मिलेगा, तो मिला नहीं अभी तक, अभी आगे क्या पता उन कोर्ट की मर्जी क्या करता है क्या नहीं करते हैं। जब वो बच्ची मार गई उससे पीछे मुझे टेंशन पार गई, मैं अभी भी दवाई खाता हूँ पठानकोट से लेकर, हम देखो हमारी हालात क्या है, इतना कमज़ोर हो गया और परेशानी टेंशन दिन पर सोचता रहता हूँ क्या होगा क्या नहीं होगा। ये फल फ्रूट लाते हैं उसको, वो हमको ऐसे दिखती है इधर से आ जाएगी उधर से आ जाएगी, वो आस्ती खेलती है इसी तरह नज़र आती है हमको दिल में, फिर हमको परेशानी ज़्यादा हो जाती है, रोना आ जाता है, कपड़े उसके देखते हैं, जूते देखते हैं, उसके खेलना देखते हैं, कल के केले ला, वो केले ला के उधर रखे, वो होती है इधर तक छोड़ती है वो खा लेती है, वो ऐसे ही रखे हैं, कोई बच्चा होता है वो खाते हैं, हमने वो रखा है इधर, कौन खाएंगे।